पिक अप द फोन डार्लिंग। हाँ मलिक बोल रहा हूँ सर। मलिक जी सर, तुम हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हो। लेकिन सर बोलो, काम तो सही करता हूँ ना सर। मैंने पता लगा लिया है सर, लड़की का नाम वर्षा है। हाँ अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। वही करना है जो हमेशा से करता आया हूँ, वर्षा को आपके बेड तक पहुँचाना है। करेक्ट, वर्षा को नौकरी की जरूरत है। फौरन दे दो ताकि उसकी और मेरी दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलिक साहब, आप मुझसे मिले हैं यहाँ? नॉट एग्जैक्टली, आपकी गाड़ी आ गई थी, सोचा मैं ही पहुँचा दूँ। मेरी? यस। माय गुडनेस, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी है। इट्स नॉट पॉसिबल, इज इट रियली 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 माय कार? जी हाँ, कंपनी के हर सीनियर स्टाफ को कंपनी की तरफ से एक गाड़ी दी जाती है, ये लीजिए। I don't believe this. I don't believe it. It's beautiful, gorgeous. अरे यार, where were you? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ, तेरे फ्लैट में भी गई, तू मिली नहीं, कहाँ थी यार? What's the matter? इतनी खुश? अरे यार, पूछ मत कि आज मुझे कैसा लग रहा है। It's like flying in the air. और वक्त मुझसे रुक रुक के पूछ रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल बोल बोल। Oh, stop now. बता क्या हुआ? क्या हुआ? Let me think, क्या हुआ? आज मुझे कंपनी की तरफ से एक ब्यूटीफुल कार मिली है। It's gorgeous, man. कब मैं तुझे न्यूयॉर्क सिटी घुमाती हूँ। We'll just whiz through the city, Ari. Come on. Wow, what a pleasant surprise. Anyways, come on, let's go in. Come on. No. Sit down. अरे? Please sit down. हाँ. वर्षा, कल तुमसे मिलने के बाद मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोच रही थी। I was only thinking about you. What's wrong with you? ये कैसे नशे में हो तुम? अरे बाबा, ये सक्सेस का नशा है, कामयाबी का। You won't believe आजकल क्या हो रहा है। अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या मतलब, क्या होने वाला है? जानना चाहती हो? ऑफ कोर्स, आओ। श्रवण, द फर्निस फॉर यू। हेलो। हाय एसडी। सुमन, कितनी बार कहा है मेरे सैटेलाइट फोन पर फोन मत किया करो। हाँ बोलो। सुना है आजकल वर्षा मेहरा के चक्कर में हो? वर्षा? कौन वर्षा? कम ऑन एसडी, जिसे तुमने कंपनी में जॉब दिया, ब्लू स्पॉट्स कार दी और अच्छा, वो कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। अच्छी है या बहुत अच्छी है? hey. तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? वो लड़की गिफ्ट है मेरे लिए, जो मैंने खुद को दिया है। उसकी एक रात के लिए सैकड़ों दिन बर्बाद किए जा सकते हैं। What? क्या बोलती हो? तो इंतजार किस बात का है? इंतजार है उस रात का जिसे लोग न्यू ईयर नाइट कहते हैं। उस रात सारी दुनिया नए साल की खुशियां मनाएगी और मैं वो रात वर्षा मेहरा के साथ गुजारूंगा। यू कांट इमेजिन सुमन, कैसी होगी वो रात। मुझे हैरत से देख रहे हैं कि मुझ जैसी मामूली लड़की ने इतने बड़े, इतने मशहूर, इतने इज्जतदार बिजनेसमैन की बेइज्जती कैसे कर दी। लेकिन आपकी हैरत अधूरी है। असली हैरत तो तब होगी जब मैं कहूंगी कि ये आदमी बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा आदमी है। वो आदमी बड़ा कैसे हो सकता है जिसका सर हर रात किसी शरीर बेचने वाले के पैरों में झुक जाता हो? तुमने क्या सोचा था
एक नौकरी एक गाड़ी देके तुम मुझे खरीद लोगे? मिस्टर श्रवण धारीवाल, हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। आज के बाद तुम जब भी किसी लड़की को गलत नजर से देखोगे तो मेरा यह तमाचा तुम्हें जरूर याद आएगा मिस्टर श्रवण धारीवाल। मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुमने क्या सोचा था वर्षा? सोचा था अगर शर्म होगी तो कहीं डूब मरोगे। सैकड़ों लड़कियां जो तुम्हारी कमीनेपन का शिकार होने वाली हैं बच जाएंगी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा मैं तुम्हारे ये गुरूर एक मिनट में खत्म कर सकता हूं, तुम्हारा वो हाल कर सकता हूं। हाथ उठाना तो दूर रहा, तुम आग भी नहीं उठा सकोगी। तुम भूल रहे श्रवण धारीवाल, जो लड़की तुमसे नहीं डरी तुम्हारे धमकियों से क्या डरेगी? मैं तुम्हें डराने धमकाने या बदला लेने नहीं आया था वर्षा, बल्कि शुक्रिया बोलने आया था कि तुम्हारे उस थप्पड़ ने बरसों पुराना नशा एक पल में उतार दिया। काश ये थप्पड़ उस पहली लड़की ने मारा होता। खैर देर सही, लेकिन किसी ने तो मारा। थैंक यू वर्षा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मेरे जैसे प्लेबॉय के अंदर से कौन बोल रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं वर्षा। बाय। आई एम गजानन मेहरा। I'm Shravan Dhariwal, SD Group of Companies का मालिक। बैठिए, please be seated। मेहरा साहब, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं वर्षा का हाथ मांगने आया हूँ। जिस कंपनी में वर्षा की नौकरी लगने से मैं फूला नहीं समा रहा था, उस कंपनी का मालिक रिश्ता लेकर आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? She's a lucky girl। लकी तो मैं हूँ मेहरा साहब, आप मेरे बारे में जानते भी नहीं। जितना आप सोच रहे हैं ना मेरा साहब, उससे कई ज्यादा पैसा है मेरे पास, और उस पैसे के लालच में मेरे आसपास कई लड़कियां घूमती भी हैं और कईयों के साथ ताल्लुकात भी रहा है मेरा। लेकिन एक ऐसी लड़की नहीं मिली मुझे जिसे मैं अपने दिल में लाता, अपने घर में लाता। सारी दुनिया घूमने के बाद एक लड़की मिली है मुझे जिसे मैं घर लेके आना चाहता हूं, अपने दिल में रखना चाहता हूं, और वो है आपकी बेटी वर्षा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है श्रवण साहब, लेकिन वर्षा आज के जमाने की लड़की है, अगर आप उससे पूछ लें तो बेहतर होगा। हम हिंदुस्तानी हैं मेरा साहब, हमारे संस्कार में बच्चों का रिश्ता मां बाप ही तय करते हैं। मेरी तो मजबूरी है, मेरा कोई बड़ा नहीं, लेकिन वर्षा का अच्छा बुरा सोचने के लिए आप तो हैं। आप उससे बात कर लीजिए, और अगर उसने हां कर दी तो शगुन के तौर पर उसे ये दे दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रवण धारीवाल रिश्ता लेकर आया है और सिर्फ एक चांदी का कंगन लेकर? नहीं, मैं मेहरा साहब, आप ये कंगन की कीमत नहीं जानते। आपके लिए तो ये मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। जब मेरे पिताजी ने मेरे मां के साथ शादी की थी, उनके पास पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक कंगन खरीदा और उन्हें पहनाया। और आज मैं ये कंगन आपको इस उम्मीद से दे रहा हूं कि एक दिन इसे पहनकर वर्षा मेरे घर पर आएगी। चलता हूं मेरा साथ।
पे ये मिस्टर श्रवण धारीवाल? इज्जत से नाम लो बेटी उनका, कल को तुम भी इसी नाम से कहलाओगी, मिसेज वर्षा धारीवाल। क्या क्या कहा आपने पापा? हाँ बेटी, वो तेरे रिश्ते की बात करने आए थे। और आपने क्या कहा? ना तो कहने का सवाल ही नहीं उठता बेटा। पापा पापा, आप नहीं जानते वो कितना बिगड़ा हुआ, कितना अय्याश किस्म का आदमी है, उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मैं जानता हूँ वर्षा। क्या जानते हैं पापा आप? क्या आप जानते हैं उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स है? एक तो मेरी दोस्ती है सुमन। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन तू ही बता, क्या उनमें से किसी को भी उन्होंने शादी का ऑफर दिया? नहीं ना बेटे, इंसान भले ही 50 लड़कियों से अफेयर कर ले, लेकिन शादी उसी से करता है जिसे वो दिल से पसंद करता है। इतना सच्चा और आईने की तरह साफ इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा। जब मैंने तेरे रिश्ते के लिए हां की, तो शगुन में उन्होंने क्या दिया मालूम है? अपने जिगर से जुड़ी हुई एक अनमोल चीज, अपनी मां का यह कंगन, अपने मां बाप की यादगार तुम्हें सौंप दी बेटा। कितना जज्बाती है लड़का। पापा, क्या आपको दिल से लगता है कि मैं श्रवण के साथ खुश रहूंगी? बेटी, ये दिल एक बाप का दिल ही नहीं है सिर्फ, 2 साल की वर्षा को अकेले छोड़कर चले जाने वाली तेरी मां की आत्मा भी है यार। और तू इतना तो जानती है ना कि तेरे पापा जो भी फैसला करेंगे तेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। अगर अपने पापा पर भरोसा है तो हाँ कर दे, नहीं तो बेटा मैं श्रवण को फोन करके कह दूंगा कि अपना कंगन वापस ले जाए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात पार्टी में मैंने आपको देखा, आप कुछ परेशान लग रही थी। नहीं तो? मुस्कुराती हुई आप कितनी अच्छी लगती हैं, जब आप रोती हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं रो तो नहीं रही हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ खुश नहीं रहेंगी तो बोल दीजिए, अब भी वक्त है। मैं ये सगाई तोड़ दूंगा और इसका इल्जाम भी अपने पर ले लूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी और बात से परेशान थी। किस बात पर? मैं सोच रही थी कि अब तक मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला कैसे चुकाऊंगी। बदला चुकाने का एक तरीका मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं।
हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज होती है, हर लड़की, समझी? हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है, जिसे खरीदा जा सकता है और यूज करने के बाद फेंका जा सकता है, जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। डिफरेंस है सिर्फ एक कीमत की, सिर्फ एक। किसी की कीमत है कार, एक घर, एक जॉब, और किसी की कीमत है वादा, तुम्हारी तरह। सात फेरों के हसीन वादों पर बिक जाने वाली वर्षा मेहरा। और ये मत भूलो कि तुम भी बाजार में बिकने वाली चीज ही हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो, तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती है ना? बोलो, यही बात है ना? बात ये नहीं है वर्षा, बात तो वो है जो तुमने मुझे उस दिन पार्टी में कही थी और ये कहते हुए भूल गई थी कि मेरा नाम श्रवण धारीवाल है और श्रवण धारीवाल भूलता नहीं है, कभी माफ नहीं करता, समझी? जो उंगली मेरी तरफ उठी थी वो मेरे नाम की अंगूठी कैसे पहन सकती है? झूठ है, ये झूठ है। तुम चाहते हो श्रवण क्या हो तुम मेरे लिए? कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें, पूरी तरह से हो चुकी हूँ मैं तुम्हारी, अपना बना लिया है मैंने तुम्हें, सब कुछ दे दिया मैंने तुम्हें, इतना अगर इतना नफरत करते तो मार डालो मुझे, तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं? बाजार में जाओ, वहां बहुत से खरीदार मिलेंगे तुम्हें, अरे जाओ। बाय वर्षा। Yeah, I'll catch the flight tomorrow and come. Yeah. I'll call you in 2 minutes. तुमने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर मेरे डैडी की धड़कन रुक गई, वो मरे नहीं, तुमने मारा है उन्हें, तुमने मेरे जिस्म, मेरे दिल, मेरे रूह के साथ खिलवाड़ किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं श्रवण धारीवाल, कि तुम जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे लेकिन तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा श्रवण धारीवाल, कभी नहीं।
लगता है छोटी ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारे चक्कर में मैं बदनाम हो गया। अरे वाह छोटे, देख ऐसी बदनामी हर मर्द को चाहिए। तुझे छोटी को कमरे में बुलाकर इनाम दे देना चाहिए था। जो इनाम मुझसे दिलवा रहे हो वो खुद ही दे देना, अपना तो लाइसेंस जब्त हो गया। आओ आओ भांजे आओ। क्या बात है मामा जी, बहुत जोर से हंस रहे हो आप लोग। तुम्हारे मामा जी ने एक जोक सुनाया। तो आप लोग मामा जी के जोक पे हंस रहे थे। तो तू क्या सोच रहा था, वो बेडरूम वाले बात पे हंसेंगे? बेडरूम वाली बात? कुछ नहीं, भाई तो मजाक कर रहे थे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा मासा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो छोटी से पूछ लीजिए। बोल छोटी। हाय राम, अब मैं क्या बोलूं, मारी तो बोली बंद हो गया। बताना क्या बात है। मैं बताता हूँ, मैंने छोटी के लिए लड़का देखा है ना, उसी की फोटो दिखा रहा था। क्यों छोटी, कैसा लगा फोटो? छोटे दरबार, बुधापेट से आपके लिए फोन है। हाय पायल। हाय। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? आई एम मिसिंग यू यार। आई एम मिसिंग यू टू। हेलो करण। हेलो। ये क्या मजाक है, ये मेरा प्राइवेट फोन है। अरे जब तू प्राइवेट नहीं है तो ये फोन कहाँ से प्राइवेट होने लगा? ला दे, आवाज सुनने दे। मुझे भी भाभी से बात करनी, मुझे दीजिए। हेलो। हाँ 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 करे, मेरी भी बहू से बात करवा दे। और मारा भी प्रणाम कह दिया। और कहना हेलो, वहाँ क्या हो रहा है? आते आते नेल पॉलिश के नए नए शेड ले आए मम्मी जी के लिए। एक मिनट, सबसे पहले मैं बात करूंगा। ला दे, बात करोगे? छोटे भाई देखो, रुक जा। ए भाई जोर, मेरे को बात करने दे। अरे फोन दे मुझे। नहीं नहीं दूंगा। अरे बात तो करने दे मुझे। अरे जाना। ए छोटे रुकता के नहीं, ए छोटे, अरे रुक। अरे भाई, अरे छोड़ ना भाई। ए भाई देखो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो करण? अरे यार ये मेरा भाई है ना, ये हमें बात नहीं करने देगा। तुम पहले इससे बात करो। लो। हेलो। हेलो। हेलो, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। ये ले। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। हेलो। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, तू बात कर। हेलो। हेलो। हेलो, कैसी हो? ये शोर कैसा हो रहा है? अरे यार तुमसे बात करने के लिए सारा परिवार जमा हो गया था। तुमने क्यों नहीं बताई, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी। तुमने मुझे कभी अपने बारे में बताने का मौका नहीं दिया, फैमिली के बारे में कैसे बताता? कौन कौन है घर में? सब है, माँ है, भाई है, बहने हैं, बहनोई है, कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। कब आ रही हो? अगले संडे। अगले संडे। छोटे दरबार की मंगेतर विलायत से आ गई है। मासा ये पायल है। जीती रहो। मामी। नमस्ते। बड़ी बहन। हेलो। हेलो। छोटी। हाय। हाय। चुप चुप जी, बहुत झूठ बोलता है ये करण। क्यों इसके सामने इज्जत उतार रही हो मासा? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने तो कहा था पायल बहुत खूबसूरत है। क्यों नहीं है? सिर्फ खूबसूरत? ये तो चांद उतर आया है हमारे आंगन में। तो कम से कम ढूंढने का क्रेडिट तो दो। ये हमारे परिवार की परंपरा है, आज से लेके सगाई की रस्म तक कोई मर्द तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। मेरी भाभी कितनी सुंदर है ना। ए भैया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों?
क्योंकि हमारे घर की परंपरा है कि भाभी को कोई भी परामर्श नहीं दिख सकता। चल परंपरा वाली देख कहाँ मासा। भैया भैया भांजे कहाँ घुसे जा रहे हो? मासा का हुक्म है कि कोई भी मर्द दुल्हन का मुंह नहीं देख सकता। अरे बात तो सुनो। अरे चल जाओ यहाँ से। अरे अरे मैंने कहा जाओ यहाँ से जाओ। अरे यार करण ये लोग तो सूरत भी नहीं देखने दे रहे। मासा का हुक्म है भाई, सगाई से पहले कोई मर्द पायल को नहीं देख सकता। अरे मैं भार वाला थोड़ी हूँ, तेरा भाई हूँ। भाई अगर तुम ना ही देखो तो अच्छा है। क्यों? मैं फिर कहता हूँ भाई, शर्त वापस ले लो। पायल का मुंह देखोगे तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। बहुत उड़ रहा है ना छोटे, जिस दिन तू वर्षा की शक्ल देखेगा ना तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ समझा रहा था कि जितने दिन नहीं देखोगे उतने दिन खुश रहोगे। तो देख लेंगे सगाई के दिन। डन डन। अटे रखो, चलो अटे, रखो और हटो, घनी देर हो रही है, खिसको यहाँ से। चलो करण यहाँ आइए भांजे, आइए 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 करण बाबू आइए आइए। अंगूठी पहनाएंगे, अंगूठी। करण बहू का घूंघट उठा के चेहरा नहीं दिखाओगे सबको? मासा ये घूंघट जरा भारी है, इसको उठाने का काम भाई करेगा। भांजे ये अदालत नहीं है कि जुर्म तुम करो और जज के सामने खड़ा हो तुम्हारा वकील। बात यह है मामा जी, मेरा भाई मेरा गुरु भी तो है। बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखा इसी से सीखा, अब घूंघट उठाना भी यही सिखाएगा। अबे गधे, दुल्हन तेरी है, तुझे ही चेहरा देखना चाहिए ना। इसकी सूरत तो मैं सोते जागते लाखों बार देख चुका हूँ, आज मैं आपकी सूरत देखना चाहता हूँ कि हारते हुए कैसे लगते हैं। अच्छा तुझे बहुत गलत फहमी है छोटे। तो फिर डर क्यों रहे हो? फैसला चार कदम पर है, पड़ाओ हाथ और उठाओ घूंघट, अभी पता चल जाएगा कि मैं जीता कि आप हारे। चलो चलो